हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 19 जून 2022। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोना शेयर रिलेटेड अपडेट। जैसे कि अब आप देख सकते हो, एक बहुत शानदार कंपनी ने कुछ दिन पहले 1:1 रेशियो पे बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया था, और वो बोनस शेयर दोस्तों एग्जीक्यूशन होगा कल 20 जून 2022 को। इसका मतलब जो भी प्राइस रहेगा कल, उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने 1:1 रेशियो पे बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया था। अब बात करेंगे कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम दोस्तों आपके सामने है बैड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी दोस्तों छोटा कंपनी है, जिस वजह से इन्वेस्ट करने का सीधा सीधा राय मैं आपको नहीं दूंगा, बट हाँ, अगर आपको ठीक ठाक लगे एनालाइज कीजिए खुद, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। आज के दिन पे दोस्तों जो शेयर आपको 40 रुपये में मिल रहा है, कल इसका आधा हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 20 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। रिटर्न्स के मामले में दोस्तों कंपनी काफ़ी सॉलिड है, 6 महीने पे 91% के ऊपर रिटर्न दिया, 1 साल की बात करें तो 350% के ऊपर रिटर्न है। इवन अगर हम बात करें जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर आज तक काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, बट हाँ, बीच बीच में ये जो वॉलेटिल हमें देखने को मिला, ये भी आपको दिमाग में जरूर होना चाहिए। कंपनी का मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो लगभग 237 करोड़ का एक माइक्रो कैप कंपनी है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी ठीक ठाक देता है, साथ साथ अगर हम बात करें पी रेशियो भी उतना महंगा नहीं है। तो जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास शेयर है तो होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, बाद में जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा तब आप आराम से बाई कर सकते हो, और बाकी कोई भी डिसीजन लीजिए आप खुद यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों हमारे इस पर नेक्स्ट अपडेट है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, जो कि लास्ट डे हमने देखा था मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, उसके साथ साथ टाटा पावर की शेयर के अंदर भी ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी देखने को मिला, और वो एंड के समय पे देखिए अचानक से ये तेज़ी आया था। उसके पहले अगर हम बात करें शुरुआत में तेज़ी था, और बीच में ऑलमोस्ट फ्लैट हमें देखने को मिला था। फिलहाल जो लेवल मैं आपको इसके पहले बताया था याद होगा आपको, खैर यहाँ पे टेक्निकल डिस्कशन थोड़ी देर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ का जो हेडलाइन आपके सामने है, एक बहुत शानदार डिसीजन लिया गया है दोस्तों टाटा पावर की द्वारा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, टाटा पावर्स सुरक्षा कवच टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। तो यहाँ पे किस तरह सा यहाँ पे जो डिसीजन लिया है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो टाटा पावर के अंदर दोस्तों आपको तो मालूम होगा बहुत बड़ा कंपनी है, तो उसका जो एम्प्लॉयज़ है वो भी बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो उनके सेफ्टी के लिए, साथ साथ अगर हम बात करें जो कि कंज्यूमर्स हैं उनके भी सेफ्टी के लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा कंपनी डिसीजन लिया। और इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो जो यहाँ पे कंपनीज का एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे सुरक्षित रहेगा, और उसके साथ साथ जो भी कंज्यूमर है वहाँ पे भी दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेफ्टी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्सीडेंट होता है उससे थोड़ा सा यहाँ पे आप बोल सकते हो बचेगा लोग। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीपीई किट हो गया, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे कंपनी यहाँ पे मैनेज किया, साथ साथ अगर हम बात करें मेंटेनेंस वर्क के लिए भी, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिसीजन आप बोल सकते हो कंपनी यहाँ पे लिया है। बट हाँ, इसका इम्पैक्ट दोस्तों आपको शेयर के अंदर बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली एक कंपनी का द्वारा एक बहुत शानदार एंड फाइनेस्ट डिसीजन है, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर्पस नहीं, कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं और उसके साथ साथ कंपनी जो सर्विसेज है, उसके साथ साथ कंपनी जो अपने कंज्यूमर है, हर एक का दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। अगर हम बात करें टाटा पावर का, तो टाटा पावर के ऊपर इसके पहले भी मैं आपको बार बार रिकमेंड किया था, जब शेयर प्राइस चल रहा था अराउंड 225-230 लेवल के आसपास, तो वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले मार्केट गिरावट के साथ साथ ये लेवल ब्रेक हुआ है। आज अगर हम बात करें टाटा पावर का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 200 से लेकर 210, लास्ट टाइम भी मैं आपको बताया था, इवन हमने देखा फ्राइडे के दिन शेयर के अंदर 1% के ऊपर में जंप भी देखने को मिला। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो खुद स्टडी कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। साथ साथ दोस्तों टाटा पावर तो मार्केट लीडर कंपनी है, यहाँ पर आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे इस पे नेक्स्ट अपडेट है हैप्पीएस्ट माइंड, जो कि लास्ट डे हमने देखा था अपना 52 वीक्स लो भी टच किया ऑलमोस्ट 818 रुपये पे। ऑलमोस्ट अगर हम देखा जाए दोस्तों सारे आईटी सेक्टर के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिला। अब ये तो हो गया एक मिड कैप स्मॉल कैप वाला कंपनी, तो इसके अंदर तो गिरावट जारी यहाँ पे होने वाला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो डिलीवरी भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला, मतलब जब जब शेयर के नीचे गिरावट हो रहा है तो डिलीवरी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो कुछ दिन पहले दोस्तों आपको याद होगा कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ था, उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था, जिसका एक्स डेट दोस्तों रखा गया है 23 जून 2022 को। इसका क्लियर कट मतलब आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अगर 22 जून या तो उसके पहले, मतलब 20, 21, 22, ये 3 दिन के भीतर दोस्तों आप बाई करते हो, तो उस केस में आपको 2 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर अगर हम बात करें, बहुत शानदार कंपनी है, इसके पहले भी मैं आपको बार बार रेकमेंड किया कि हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। इवन हमने अगर हम बात करें कंपनी का रिजल्ट भी लास्ट क्वार्टर में काफ़ी अच्छा आया था, जहाँ पे दूसरे आईटी सेक्टर कंपनी का बहुत मार्जिन इशू था, ये कंपनी आप देख सकते हो कोई भी मार्जिन इशू हमें देखने को नहीं मिला, बल्कि हर एक सेगमेंट पर कंपनी बेटर यहाँ पे जो अपने आपको ग्रोथ हमें देखने को मिला, साथ साथ परफॉर्मेंस भी कंपनी का काफ़ी शानदार था। तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, तो बहुत लोग इसके अंदर अभी बाई करके फंस चुका है, क्योंकि बहुत लोग हाई लेवल पर बाई किया था, कोई 1300, कोई 1500, कोई 1100, कोई 1000। तो
चाहे आप कोई भी लेवल पे बाय करें, मैं आपको बोलूँगा पैनिक मत कीजिए, थोड़ा टाइटली होल्ड कीजिए, मार्केट को पहले रिकवर होने दीजिए, ऑटोमेटिकली देखना शेयर के अंदर रिकवरी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे इस पे नेक्स्ट अपडेट है आईटी सेक्टर का दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड। तो हैप्पीएस्ट माइंड की तरह कुछ बड़े आईटी सेक्टर कंपनी जैसे कि विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस ने भी लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन हमें 52 वीक्स लो टच करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों फिलहाल हम टेक्निकल डिस्कशन बाद में करेंगे, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है उसके ऊपर हम चलते हैं शुरू करेंगे। बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव आपके साथ शेयर करने में। तो देखिए हेडलाइन आपके सामने है, विप्रो मर्जेस कमर्शियल लाइटनिंग, ये एक बिजनेस हो गया, एंड उसके साथ साथ सीटिंग सोल्यूशन बिजनेस। तो ये दो बिजनेस कंपनी का मर्ज होगा टू क्रिएट कंबाइंड यूनिट। तो थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे नीचे क्या स्टेटमेंट वगैरह आया है। जैसे कि आप देखिए विप्रो लाइटनिंग ऑन संडे, मतलब ये आज ही का एकदम लेटेस्ट अपडेट है, शाम को 5 बजे का ये न्यूज़ आया था। एंड संडे अनाउंस टू क्रिएशन ऑफ अ न्यू बिजनेस यूनिट कमर्शियल लाइटनिंग। तो ये एक बिजनेस हो गया कमर्शियल लाइटनिंग, दूसरा हो गया सीटिंग सोल्यूशन। तो ये दो बिजनेस दोस्तों एक साथ मर्ज होगा विप्रो लिमिटेड के अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा और डिटेल में, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए द न्यू ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन क्रिएटेड टू अनेबल ग्रेटर सिंजेनिक्स एंड एक्सिलरेटेड ग्रोथ बाई लिवरेजिंग विप्रोस कॉमन डीलरशिप नेटवर्क एज वेल एज सर्विस कस्टमर्स, द कंपनी सेट इन अ स्टेटमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो दो बिजनेस हमें साफ साफ पता चल रहा है, एक हो गया आपका कमर्शियल लाइटनिंग, दूसरा हो गया यहाँ पे सीटिंग सोल्यूशन का बिजनेस। ये दो बिजनेस दोस्तों एक साथ मर्ज होगा। अब इसको में फायदा दोस्तों विप्रो लिमिटेड को ही होगा, क्योंकि विप्रो लिमिटेड के अंदर पहले अगर हम बात करें सीटिंग सोल्यूशन का बिजनेस था, कमर्शियल जो लाइटनिंग है वो बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो ऐड नहीं होता था। अब से दोस्तों आगे कुछ क्वार्टर में वो भी ऐड होगा, डेफिनेटली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आगे से हमें काफ़ी अच्छा और बेटर होता हुआ नजर आएगा। बट विप्रो को लेकर लोग बहुत शिकायत करता है, क्योंकि विप्रो ऑब्वियसली क्योंकि इतना ज़्यादा शेयर गिर चुका है, विप्रो जैसे इंडिया का टॉप 3 कंपनी में आता है विप्रो का नाम, उसके बावजूद भी शेयर मोर देन 40% या 45% के करीब हमने देखा ब्रेक हो चुका है शेयर। कहाँ इसका मार्केट कैप लगभग 4 लाख करोड़ के ऊपर था, आज देखते ही देखते इसका मार्केट कैप देखिए करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। 750 रुपये के आसपास चलने वाला शेयर आज 400 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। बट एक ही बात बोलूंगा, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का बिजनेस एकदम सही चल रहा है। तो थोड़ा पेशेंस आप दिखाइए, थोड़ा आप टाइटली होल्ड कीजिए, फिलहाल जो सिचुएशन है उसके ऊपर बेस करके बोल रहा हूँ, पैनिक मत करना, थोड़ा टाइटली होल्ड कीजिए। बट हाँ अगर आपको बाई करना है तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा आप आईटी का इन्फोसिस और टीसीएस के साथ जा सकते हो, बट हाँ खुद प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों मैं इस पे लास्ट एंड फाइनल अपडेट, बीएससी लिमिटेड, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर प्राइस है वो लगातार गिरावट देखने को मिला। इवन अगर हम 5 दिन की बात करें हद से ज़्यादा गिर गया, मतलब आप सोच नहीं सकते 16% का गिरावट हुआ है लास्ट 5 दिन के भीतर भीतर। और अगर हम बात करें लास्ट 3 दिन पे दोस्तों ये शेयर लगभग 14% के आसपास गिरा, मतलब लास्ट 3 दिन पे ये शेयर के अंदर हमें भारी भरकम क्रैश देखने को मिला। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है FIIs का लगातार कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला मार्केट के अंदर। तो बेसिकली उसका एक इम्पैक्ट हमें बीएससी के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखिए मार्केट जैसे जैसे रिकवर करेगा ऑब्वियसली बीएससी के अंदर भी आपको रिकवरी देखने को मिल जाएगा। कंपनी खराब नहीं है, लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा था कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, इवन मार्जिन का कोई भी इशू वगैरह नहीं है। और इंडिया जैसे ग्रोइंग कंट्रीज के लिए दोस्तों बीएससी लिमिटेड, सीडीएसएल इस टाइप की शेयर जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा फायदेमंद हो सकता है रिटर्न्स के मामले में मैं बोल रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपके पास अगर शेयर है कोई भी प्राइस में बाई किया तो पैनिक मत करना, बस होल्ड कीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको बाइंग का रिकमेंड नहीं करूँगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, मार्केट को पहले स्टेबल होने दीजिए। तो वीडियो के भी वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।